हम बनाएंगे नवरात्रि में बनने वाला प्रसाद। एक कटोरी हमने काला चना लिया था और उसको रात भर के लिए हमने भिगो दिया था। अभी हम इसको उबालेंगे। इसको डाल देते हैं कुकर में। पौना कप हम पानी डाल देंगे और एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं और इसको कुकर बंद करके हम 4 से 5 सीटी लगाने तक इसको पका लेते हैं। 3 कप हमने आटा ले लिया है। एक चम्मच नमक डाल देंगे और 1.5 चम्मच हम तेल डाल देंगे। इसको मिला लेते हैं और इसका एक सख्त आटा हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसका एक सख्त आटा बना लेंगे। 1/2 चम्मच हम अजवाइन भी डाल देते हैं, क्रश करके डालेंगे इसको। इसको भी मिला देते हैं। आटा हमारा बन गया है। ये 1/2 चम्मच हमने घी लिया है, ऊपर से लगा देंगे। और 1.5 कप हमने पानी लिया था, 1/4 कप हमारा इसमें पानी लगा है। हमें एकदम से हार्ड आटा बनाना है। अच्छे से इसको लगा देंगे। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 4 सीटी हमने लगवा दी थी, गैस को बंद कर दिया है। जब तक पैसा ठंडा होता है हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। 2 चम्मच हम घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देते हैं। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी गरम हो गया, जीरा डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है। जीरा भून गया है। 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, इसको डाल देते हैं। इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। ये हमने भून लिया है, इसको मसाले डाल देते हैं। 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्ची ली है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया है और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला है। इनको भी भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। चने डाल देते हैं। अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं एक साथ, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए सारे। ये हमने पका लिया है। इसमें डाल देंगे अदरक के लच्छे हैं, आप चाहे तो डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। ये हरा धनिया ले लिया है हमने, आप चाहे तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अच्छे से मिला देंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है और इसे निकाल लेते हैं हम। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया था और 4 चम्मच घी उसमें डाल दिया है। 1/2 कप हम सूजी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। एक चम्मच और डाल देंगे हम, थोड़ा सूखा लग रहा है हमें। इसको हम पका लेंगे। सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है, घी छोड़ दिया है। 1.5 कटोरी हमने पानी लिया और पानी को हमने गर्म कर लिया था। डाल देते हैं, धीरे धीरे डालेंगे। थोड़ी देर के लिए चला देते हैं। साथ में 1/2 कटोरी हमने चीनी भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट लिया है, उसको भी डाल देंगे। काजू और बादाम हमने लिया है।
किशमिश लिया है हमने, उसको पानी में भिगो दिया था, वो भी डाल देते हैं। और 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। हलवे को हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है, अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया है, हलवा हमारा तैयार हो गया है। इसको हम निकाल देंगे और पूरी बनाने की तैयारी करेंगे। अभी ये हमने चकला बेलन लिया है, उस पर घी लगा लिया है और आटा ले लेंगे हम। आटे को थोड़ा मसल लेते हैं। आटे में से हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है लोई बना लेते हैं। अभी हम पूरी बेल लेंगे, छोटी बड़ी आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। इनको एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। तेल को हम चेक कर लेते हैं, अच्छा गर्म हो गया, एकदम से डालते ऊपर आ रहा है। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे, पूरी डाल देते हैं। हल्का हल्का दबाते हुए हम इसको सेक लेंगे। पूरी हमारी अच्छी फूली है, पलट देते हैं। इसे निकाल लेंगे और अभी और बना लेते हैं ऐसे ही हम। दोनों तरफ से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। निकाल लेते हैं, सारी हम ऐसे ही बना लेंगे।